तो गाइस करते हैं ब्लॉग की शुरुआत आपके प्यार के साथ। और शाम का टाइम हो गया, चाय ले लिया, दुकान में जाने की कर रहे हैं तैयारी। हाँ जी, निकल रहे हैं दुकान पे। हमारा लाडला छोटा सो रहा है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, पीछे आराम से सो गया और ये अपनी जिम के जाने की तैयारी कर रहा है जी। तो कन्नू को बैग दिखा क्या, हेड वो मंगा लिए। अच्छा, कन्नू दिखा रहा है, एक वो मंगा लिए क्या, नॉइस हेडफोन मंगा लिए हैं। तो गाइस मम्मी से क्या वो लग गई, पास होने के बाद भाई साहब अलग अलग तरीके बंदे से गिफ्ट लेते हैं, मम्मी से अलग गिफ्ट, पापा से अलग गिफ्ट। इसका बैग ये देखियो, ये ना कितना सुंदर है वाली, नहीं ये कंफ्यूज हो रहा है, कह रहा पापा इसका ब्लू कलर था। मैंने कहा ओपनिंग बेटे, जब ओपनिंग की थी ना काको ने ओपन किया था दोपहर को, ग्रे ही था। वीडियो में लग रहा होगा शायद डार्क कलर, वीडियो में डार्क कलर लग रहा होगा। कह रहा पापा इसका ब्लू कलर था, यार ये ग्रे कैसे हो गया, इसका ब्लू कलर था ग्रे कैसे हो गया। अब ये तोड़ियो मत, एक तो गाइस ये देख लो ये पर टूटा हुआ है, इसकी मासी ने लेके दिया था, बहुत टाइम भी हो गया। अरे इससे पहले भी लेके दिया, इससे पहले भी दिया था, वो ये हालत ही है। तो उसे भी तो दिखाओ, चिथड़े उड़ गए उसके, चिथड़े उड़ा के रखे हुए उसके। चलो जी, कान में लगाए तो चिथड़े ही उड़ेंगे। चाय ले लिया है, ठीक है जी, और अब चल रहे हैं शॉप पे। इनको भी क्रॉक्स मिल गए हैं, गाइस क्रॉक्स मिल गए हैं, मैं ओपन किए हैं, दिखा दो भैया, दिखा दो दिखा सब कुछ ले लेके रहते हैं, फिर कहते हमको तो कुछ नहीं लेना। गाइस ये मेरे को सबसे कंफर्टेबल आया है, रेड टैप कंपनी के हैं, बहुत बढ़िया क्रॉक्स मिले हैं और अच्छी चीज है भैया, कलर भी बहुत प्यारा सा मिल गया। पहले उन्होंने ब्लैक पहन लिया, व्हाइट पहन लिया, अब ये है ग्रीन कलर। हाँ। अब उसके बाद देखते हैं और कौन सा ब्लू मंगवा लेते हैं, चार पांच एक मंगवा लेते हैं, अभी कुछ नहीं मंगाना। तो गाइस मिलते हैं अब आपको थोड़ी सी देर में यार, अब मैं जा रहा हूँ शॉप पे। तो गाइस कन्नू भी जा रहा है भाई अब टूर पे, कन्नू को भी पसंद आ गया ये वाला बैग, ये बैग जिम के लिए भी हो गया। हाँ। कंधे पे डालने से, ऐसे पकड़ने से दोनों बैग में तो स्कूल जैसे हो ना, मस्त रहता है, बराबर रहता है, बिल्कुल सही लग रहा है। इसने आज वो भी मंगाया है, नॉइस के क्या मंगाया है, नॉइस के हेडफोन मंगाए हैं, देखे इसको बहुत सारे गिफ्ट मिल रहे हैं इसको, बिग बॉस आ रहे हैं ट्यूजडे मार्केट, और यहाँ पे मार्केट लगनी स्टार्ट हो गई है, यहाँ से लेकिन आगे तक सारे फ्रूट और रेडी वाले सब खड़े हो जाएंगे यहाँ पर। अभी 6 बजे के आसपास का टाइम है और बाहर इतनी लू चल रही है ना, आग निकल रही है भाई साहब, अभी भी इतनी गर्मी लग रही है और बाहर लग गया ट्यूजडे मार्केट और रश होने वाला है बहुत ज़्यादा। बस अब दुकान पे आए हैं, काम कुम करता हूँ और निकलने के यहाँ से तैयारी करेंगे। वर्कशॉप जाना है अभी तो मुझे, क्योंकि किसी के एमरजेंसी काम आया हुआ है, वहाँ से वर्कशॉप से लेके आना है, फिर जाना है, क्योंकि भाग दौड़ भाई लगी रहती है काम की ना। और यहाँ से पहले वर्कशॉप जाना है, वहाँ से उनका पार्सल करवाना है, बाहर के पार्सल हैं, दो पार्सल हैं बाहर के, पार्सल करवा के फिर मैं दोबारा शॉप पर आऊँगा। भैया अकेले काम के चक्कर में ना तो भाग दौड़ तो लगी रहती है हर चीज़ से। बहुत बढ़िया यार ये आपके लिए, ये ऑरेंज कौन से भाई, इम्पोर्टेड संतरा है, नहीं संतरा नहीं खाना यार, ये सेब देख रहा था, सेब पे पानी कितना छिड़का है तूने बाबू, सेब पे पानी कितना छिड़का है। बस डॉली का फ़ोन आया था, भैया कल है एकादशी, फ्रूट देख लेना, और मैं बाहर निकला था फ्रूट लेने के लिए, मुझे एप्पल पसंद आए, एप्पल अच्छे लगे तो मैंने एप्पल ले लिए हैं। बस अब जा रहा हूँ मैं शॉप पे, बाहर बैठ गया था भैया और आज बरस स्टार्ट हो गया, लेकर आ चुका हूँ, और भैया कहते हैं एक ऑरेंज भी ले जाओ साथ में ट्राई करके देखना, उन्होंने एक ऑरेंज दे दिया, कहते बहुत मीठा है, बाहर का इम्पोर्टेड ऑरेंज है, और एप्पल भी बहुत मीठे थे, बहुत मीठे, और भैया ने ट्राई कराए थे, कहते फिर लेके जाना आप। और क्योंकि आज ट्यूसडे मार्केट है ना, बाहर छोले भटूरे वाले के पास तो भाई साहब इतना रश रहता है, मुझे लगता है कि लोग ना वीकेंड के अंदर ना बस छोले भटूरे का एक वीक का इंतज़ार करते हैं। मंगलवार या वेडनेसडे मार्केट, ट्यूसडे मार्केट कब होगी, इस टाइम आप तकरीबन 6:30-7 के आसपास का टाइम हो चुका है, और छोले भटूरे वाले के पास लोग ऐसे दीवानगी है ना उनकी, भाई साहब इतना रश लगा हुआ है उनके पास, कुछ कहने की हद नहीं है, बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है, इतना रश था और बहुत ज़्यादा भाई। मगर काफ़ी लोगों को स्ट्रीट फूड के छोले भटूरे अच्छे लगते हैं, वैसे हमें भी अच्छे लगते हैं, मगर अभी खाने का दिल नहीं था, और वो भी गरम गरम अच्छे लगते हैं, घर में पैक आने में ना वो भटूरे ऐसे हो जाते हैं, ताज़े ताज़े छोले भटूरे हों और कढ़ाई में से निकले हों, प्लेट में सर्व हों, तो वो खाने में मज़ा आता है भैया। काकू तो वैसे बड़ा दीवाना है छोले भटूरे। रश देख लो बाहर भैया, यहाँ पर नींबू बिक रहे हैं, लेमन बिक रहे हैं, दुकान के बाहर तक की बहुत ज़्यादा रश रहता है आज ट्यूसडे मार्केट। काकू और मैं सब्जी लेने जा रहे थे, आ गए हैं और यहाँ पे जा रहे हैं आइसक्रीम लेने के लिए। आओ जी, लेना और कुछ खा लिया आइसक्रीम, चले मार्केट चले मंगले यार, दे दी रौनक को दे दिया। अच्छा जी, कितनी छोटी सी लेके आया, कौन तू मैंगो वाली भी ले।
अच्छा ये वाली अच्छी लगती है, मैंगो वाली तो मेरे को अच्छी लगती है, ये अच्छी लगती है। फटाफट मार्केट जाने की तैयारी, भोग लगाते हैं ऑरेंज का और बूंदी हनुमान जी के लिए, दूध का, हाँ जी फ्रूट का भोग लगा रहे हैं जी। आप क्या बनाने लगे हो? मैं तोरी बनाने लगी। तो गाइस सब्जी के अंदर कटरी है, तोरी लगता है, तोरी बनेगी टॉर्चर। टॉर्चर नहीं है, अच्छा हरी सब्जी फायदा ही करती है। जो प्याज बिना टमाटर की बनाती हूँ, जो मलाई वाली होती है, मलाई वाली तोरी। तो गाइस मलाई वाली तोरी बनने वाली है यार। ये बोरी हटा दे पीछे से यार, जिस सामान पड़ा है चीनी अपनी जगह जाएगी, बस वो मैं जब तक हटाऊंगी हटाएगा नहीं ना, घर में हमेशा काम मुझे ही तो करना है। मार्केट सब देख रहे हैं, हटा था कोई एक बंदा भी नहीं है, डॉली हटाएगी जो हटाएगी बस। चल ठीक है, हम मार्केट हो गए हैं, आइसक्रीम लाई थी, आइसक्रीम खा चुके हैं महाराज जी, और अब हम जा रहे हैं मार्केट और टमाटर लेने हैं और सब क्या क्या सामान लेना है। पता नहीं कुछ कह रहा है, कौन कश्मीरी मिर्च, कश्मीरी पता नहीं, चिकील चिपोतले सॉस कह रहा है बना के दो मुझे भाई। चिपोतले नहीं, चिकोतले, पता नहीं चिपोटले सॉस होती है कुछ, उसको एक जार में स्टोर करते हैं। अब चिपोटले सॉस कह रहा है क्या, हमारे पास इतनी सॉसेस है भाई, उधर पे बहुत कुछ करती है, उसमें चीज डलती है, काजू पनीर थोड़ा है? पहले मैं देखूंगा, कल छुट्टी है, कल बनाऊंगा चिपोटले सॉस। ट्राई करने के बाद भी देखेंगे, पहले थोड़ा बना के खा के देखना, उसके बाद स्टोर करना, पहले स्टोर करने वाला काम नहीं करना, पहले बनाएंगे फिर करेंगे। काकू वो जो इसके अंदर बोरी में सामान सारा खत्म कर दे, साइड में कर दे और चलने की तैयारी कर, बाल सही कर अपने फटाफट। हाँ जी खीरा ले लिया है देसी वाला, और कुछ काकू टमाटर देख लो है, क्योंकि रेडी खाली पड़ी हुई है तुम्हारी, है 80 रुपये किलो हो गया तभी करके। टमाटर दे दो भाई साहब, काकू टमाटर ले लिया, अब चलें घर, गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा है। हमने ले लिया सब्जी और अब जा रहे हैं घर पे। सारी जगह रश थी मगर एक टमाटर वाले के पास था, क्योंकि टमाटर इतना महंगा है, उसके पास रश नहीं था, बाकी सारी जगहों पे रश था। तोरी रख दी है काट के बनाने के लिए, सिर्फ ऑनियन डाले हैं, ऑनियन वाली तोरी बनेगी, अदरक लहसुन टमाटर कुछ भी नहीं डलेगा और बेसिक मसाले डालेंगे। दूध और मलाई वाली तोरी बनती है बहुत बढ़िया, मेरी फेवरेट है ये। बस अब ये सिंपल से प्याज स्लाइस करके काटे हैं, प्याज हल्के से सोते हो जाएंगे, ब्राउन हो जाएंगे, तो उसमें जाएगी ये तोरी, फिर बेसिक मसाले। बस प्याज हो गए थे मैंने इसके अंदर, ये देखो ना स्लाइस हो गया हल्का, इधर से पिंक हो गए थे प्याज, मैंने तोरी डाल दिया, ये पकते रहेंगे और बाद में जाएंगे बेसिक मसाले, नमक हल्दी मिर्च गर्म मसाला धनिया पाउडर और लास्ट में एक चम्मच मिलाई फर्स्ट क्लास तोरी मिल जाए। अभी चार मसाले डाले मैंने, नमक डाला है, हल्दी डाला है, मिर्च डाला है और अमचूर पाउडर डाला है, और बाकी एक चम्मच मलाई का जाएगा लास्ट में, और हमारी तोरी बनकर हो जाएगी तैयार। अभी इसमें कश्मीरी पाउडर डालूंगा ना, थोड़ा सा लाल देगी मिर्च वाला, उसमें कलर आ जाएगा। क्या देख रहे भाई? कुछ नहीं देख रही थी, आदिवासी तेल लगा के मेरे बाल घने लंबे हो जाएंगे। तो गाइज ये है आदिवासी हेयर हर्बल ऑयल है, और इसको लगाने से आपको पता है क्या होता है भाई साहब, इसको लगाने से जो भी आपके जो बाल हैं और जो हेयर फॉल है वो कम होता है, जो वाइट बाल होते हैं वो ब्लैक हो जाते हैं, और नए बालों की ग्रोथ आती है काफ़ी। आजकल ये काफ़ी चर्चा में, काफ़ी लोग लगा रहे हैं और बहुत लोगों को फायदा मिल रहा है। डॉली ने भी लगाना शुरू कर दिया, मेरा भैया देख तेरे बाल से लंबे हैं, मतलब ज्यादा घने नहीं है, देखिएगा जितने लंबे बालों में, मुझे इसको इसको घने करने हैं। अब ग्रोथ यहाँ से ना इसकी साइडों से ग्रोथ आनी स्टार्ट हो जाएगी इस बालों से। अब लगाना कैसे शुरू करना है वो आपको सबको बताया, और ये ओरिजिनल हेयर ऑयल है, बाकी जैसे देखो मार्केट के अंदर आ रहे हैं फेक प्रोडक्ट भी आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, मगर हमारे पास आपको ओरिजिनल क्वालिटी मिलेगी। अगर आपको ये चाहिए तो गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे आप बसरा ज्वेलर्स, वहाँ पर आपको भैया की शॉप का नंबर आ जाएगा, बसरा ज्वेलर्स आएगा, पूरा रोड मैप आ जाएगा, वहाँ पर आपको कहाँ जाना है और नंबर कॉन्टैक्ट नंबर है, आप भैया से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वहाँ से आप ये मंगा सकते हो आदिवासी हेयर ऑयल। हाँ ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे किसी के बाल झड़ते हो या ब्लैक करते हो तो आप लगा सकते हो, तो गाइज अगर वैसे भी आप लगा सकते हो, नंबर पे लिखा हुआ है वहाँ से भी मंगा सकते हो, आप इसको वैसे भी लगा सकते हो, ताकि आपके जो बालों की आगे से ग्रोथ है वो बिल्कुल हैवी बाल आए, और साथ में जो बालों की जड़ है मजबूत अंदर से, जड़ को दो जड़ें मजबूत होंगी तभी बाल अच्छे आएंगे। तो जैसे आपके शरीर के लिए खाना बहुत ज़रूरी है, वैसे ही आपकी बालों के लिए ये आदिवासी तेल बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा। तो गाइस अगर जैसे ही आप लगाओगे इसको, सिर्फ ये समझ लो कि अगर एक ही शीशी आप लगा लोगे ना, आपको ग्रोथ अपने आप पता लग जाएगा कितने आपके बालों में मतलब ग्रोथ हुई है और चेंजेस कितने आए हैं, ठीक है। एक बार आप लगा के देखना और ये आपको मिल जाएगा हमारी शॉप पे आराम से, और गूगल में जाएंगे सर्च करेंगे बसरा ज्वेलर्स, सामने आ जाएगा,
आपको वहाँ पे उनका भैया का फ़ोन नंबर आ जाएगा, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से इजीली मंगा सकती हो। और साथ में एक स्लिम किट भी आई हुई है, वो भी आप देख लेना, गोलू पायल और चीरा का आपने देख लिया ना कैसे स्लिम हुई है, तो वो भी आपको वहाँ उनकी पूरी जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। फाइनली डॉली ने हाथ से लगाना शुरू कर दिया आदिवासी तेल, और देखते हैं इसके बालों की ग्रोथ कैसे कितनी जल्दी होती है, आपको रिजल्ट पता लग जाएगा भाई साहब। और टाइम देख लो कितना हो चुका है, टाइम 1:25 हो चुके हैं, कल है छुट्टी, कल है मुहर्रम तो इसलिए छुट्टी है कल, और हम आराम से ब्लॉग में ऐड कर रहे हैं। मैं तो सो गया था, डॉली ने उठाया, डॉली कहती ब्लॉग का एंड नहीं करना, मैंने कहा आया ब्लॉग का एंड करना है, तोरी बन गई थी, तोरी बन गई थी भैया हमारी, और मैंने कहा यार ब्लॉक कैन करते हैं आप डॉल, हमारी जो सारी सब्जियां थी वो सारी फिनिश हो चुकी है पहले वाली, अब तोरी हमने बनाई, सारी सब्जी खत्म, अब नई सब्जी चालू। कल दोपहर के लिए, कल दोपहर की तैयारी कर ली है, सुबह नाश्ते के लिए तोरी की तैयारी कर रहे हैं। अब ये सुबह सुबह भाई साहब इन्होंने वो रख ली है, डिमांड रख ली है कि हमें सुबह अफगानी बर्गर खाना है। अफगानी बर्गर क्या होता है, कैसे होता है, लाजपत नगर कोई गया हो तो भाई साहब कमेंट्स करके बता देना, वहाँ पर लाजपत नगर में एक मतलब मोहल्ला सा बना हुआ है और वहीं पर ही स्ट्रीट फूड में लगती हैं, अफ़गानी कम्युनिटी के काफ़ी लोग रहते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर ये काफ़ी चीज़ें फेमस है। अफ़गानी बर्गर एक्चुअली एक रैप सा होता है, रैप में रोल करके फ्रेंच फ्राइज़, वेजिटेबल, एग वगैरह, नॉन वेज भी होता है, वेज भी होता है, वो दोनों तरीके से बनते हैं। बाकी कोशिश करूँगा भैया मैं कल बना के इनको खिलाने की, अगर आएगी तो उसकी रेसिपी आपको फैमिली ब्लॉग में आएगी। तो गाइस इसके साथ हम कर रहे हैं ब्लॉग का एंड, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, और आदिवासी हेयर ऑयल ज़रूर मंगवाना है एक बार ही हमारे कहने पर, आपको बालों की ट्राई जरूर करके देखना, बाकी आपको अपने आप रिजल्ट पता लग ही जाएगा। बाय बाय गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, गुड नाइट।